हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। बोला इन फिगर 5.10 इफ़ ए सी बराबर बी डी, ए से लेके सी तक की जो लेंथ है बराबर है बी से लेके डी तक की लेंथ के, देन प्रूव दैट जितना ए बी होगा उतना ही हमारा सी डी होगा, ए बी लेंथ इक्वल होगी सी डी लेंथ के, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने का तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन, हमें दे रखा है ए सी बराबर बी डी है, नंबर एक ले लिया। प्रूफ करना है कि ए बी बराबर सी डी के है, ये प्रूफ करना हमें। अब इसे प्रूफ करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि ए सी ये दो पार्ट से मिलकर बना है, कौन कौन से, ए बी प्लस बी सी, ये लिखा मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। बी डी जो है वो भी दो पार्ट से मिलकर बना है, बी सी प्लस सी डी, दोनों को लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। फिर मैंने लिखा नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए सी एंड बी डी इन पुट इन 1, जो मैंने ए सी और बी डी की वैल्यू निकाली है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ए सी बराबर बी डी। तो यहाँ मैंने लिखा ए सी बराबर बी डी, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस बी सी, बी डी की वैल्यू बी सी प्लस सी डी, दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद दोनों में एक देखो बी सी कॉमन पार्ट आ रहा है, तो मैंने लिखा नाउ सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ बी सी को माइनस कर देंगे, बी सी इधर से माइनस कर दिया, बी सी इधर से माइनस कर दिया। अब हमने एग्जाम में पढ़ा था अगर दोनों इक्वल अमाउंट में कोई सेम चीज़ इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल ही होगा, वन इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स एंड रिमाइंडर आर ऑल्सो इक्वल, इक्वल में अगर कोई सेम अमाउंट यानी कि बी सी माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आया वो भी आपस में क्या होगा, इक्वली होगा। बी सी से बी सी गया बचा ए बी, बी सी से बी सी गया बचा कौन, सी डी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में बोला है वाई इज एग्जियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एग्जियम कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, एग्जियम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो एग्जियम नंबर 5 है क्या, द होल इज अ ग्रेटर देन द पार्ट, जो कंप्लीट नंबर होता है ना, होल नंबर होता है वो उसके पार्ट से बड़ा होता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हमारा एक पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा का ये एक स्लाइस है, अब कंप्लीट जो पिज्ज़ा होगा ना वो इस एक स्लाइस से तो बड़ा ही होगा, और ये बात ऐसा तो है नहीं कि ये खाली इंडिया में या लागू होगी या अमेरिका में लागू होगी, ये पूरे यूनिवर्स में लागू होती है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है। होल हमेशा उसके पार्ट से डेफिनेटली बड़ा ही होगा। सिंस दिस इज़ अ ट्रू, ये एक ट्रू है फॉर एवरीवेयर, हर जगह के लिए, इन द वर्ल्ड, हैंस इट इज़ अ कंसिडर एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कंसिडर किया जाता है। जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो मैंने मेंशन भी करा है, होल पिज़्ज़ा इज अ ग्रेटर देन द स्लाइस, स्लाइस से पिज़्ज़ा बड़ा होगा, दिस इज़ अ ट्रू फॉर एवरी थिंग एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, और ये कभी भी नहीं बदलने वाला, ठीक है। इसी के साथ हमारी क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।